and welcome to the fourth revision lecture for all those students appearing in May, June, November, December 2020 attempts. This is the last lecture of income tax portion with the remaining chapters. As you can see it on your screen, starting with TDS and TCS, followed by advanced tax, then ROI, and finally computation of total income and tax liability. The most important being TDS and TCS because uh, it has gone through multiple amendments from time to time. Without wasting any further time, let me take you on to tax deduction at source and tax collection at source. This is my subsequent section, has section 190, deduction of tax and source and advance payment. Before I take you on to further slides, let me help you out with the basic concept what TDS is all about. Generally, income of an assessee is charged in the assessment year. Income of previous year is charged in the next year assessment year. Yes, sir, this is what we have always been knowing.

ग्रोसअप करना पड़ेगा मतलब इनकम एक्चुअली जो टी टू ने मेरे से अर्न करी वो फाइव ,00 सी है इवन दो ही हैज थाउजेंड रुपीज तो इट इज जस्ट एन एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स टू द गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इन द फॉर्म वेयर द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग पेमेंट विल डिपॉजिट द टैक्स ऑफ द अदर पर्सन क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया देखो जी कहते हैं जनरली टोटल इनकम ऑफ एन एस For the previous year is taxable in the relevant assessment year. Let's say previous year 1920th assessment year 2021. However, under TDS, person responsible for making payment, the one who is making the payment of income covered by the scheme, are responsible to deduct tax and source and deposit the same with the government within the stipulated time. There will be time period jamakaradena. Otherwise, the payer, the one who is supposed to deduct and deposit. इंटरेस्ट वगैरा लगेगा थर्ड पैरा द रेसिपियनकम दोबिलिटी करी जाएगी द अमाउंट डिडक्टेड एट सोर्स इज एडजस्टेड अगेंस्ट इज फाइनल टैक्स लाइबिलिटी क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर अच्छा जब असैसमेंट इंडिया कंक्लूड किया जाता है कि कितनी इनकम अर्न करी

अंडर सेक्शन हंड्रेड एंड इज़ अल्टरनेट मिनिमम टैक्स एंड फाइनली अगर कोई एडवांस टैक्स ने, खुद ने जमा कराया, तो वो सब माइनस करने के बाद ने हाथ खड़ा कर रखा है T2 क्या डाउट है? सर को इतने सारी चीजों की नॉलेज कहाँ होती है वेल well डन उसी के लिए तो हम हैं दोस्तों वी एंड फॉर दैट वी चार्ज प्रोफेशनल फीस

TDS is not applicable on each and every payment. There are certain sections giving certain limitations also. Clear work at the house. The explanation to this section provides that if any person, including the principal officer of a company who is required to deduct tax at source or an employer having uh, paying tax on non monetary perquisites under section 192 1 a does not deduct the whole or any part or after deducting. Uh,

तो आप लोगों के जितने भी सारे सेक्शन होंगे जिसमें टीडीएस कटना है विल कम इन दिस फॉर्मैट वेयर बाय द फर्स्ट थिंग दैट विल बी रिटर्न इज द पेयर द पर्सन इज मेकिंग द पेमेंट पे द वन हु इज रिसीविंग रेट विल बी द टीडीएस रेट किस रेट से टैक्स कटना चाहिए इन दिस केस अंडर सेक्शन 192 इट इज एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्लूडिंग सेस अब एवरेज रेट कैसे निकालते हैं वो सारी चीजें बताऊंगा

अप्रोक्सिमेटली सेवेंटी फाइव थाउजेंड वेल डन और की कू लेट एर इनकम टेन लाख रुपीज तो उस पर कितना टैक्स निकलेगा सर अराउंडीन थाउजेंड वेल डन तो नाउ यूवेक्सेंट एंड की बात यह आती है दोनों पर टेन परसेंट लगाना दोनों पर फिफ्टीन परसेंट लगाना दोनों पर फाइव परसेंट लगाना इज नॉट अ गुड आइडिया एक्चुअली क्योंकि हर एक इंसान की सैलरी अलग होती है

तो ऑटोमेटिकली द एवरेज रेट ऑफ इनकम टैक्स विल कीप ऑन चेंजिंग क्या क्लियर हुआ कहते हैं सर कहते हैं इफ एनी पर्सन इज वर्किंग विद टू और मोर एम्प्लॉयर्स अगर आप दो या दो से ज्यादा एम्प्लॉयर्स के साथ काम कर रहे हैं इन दैट केस द एम्प्लॉय शुड सबमिट द पर्टिकुलर्स इन फॉर्म पर्टिकुल ऑफ सैलरी इनकम फ्रॉम ऑल एम्प्लॉयर्स टू वन ऑफ इज एम्प्लॉयर ऑफ इज चॉइस हु विल डिडक्ट टैक्स एट सोर्स टेकिंग इन टू कंसिडरेशन इनकम फ्रॉम

डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन अंडर हेड हाउस प्रॉपर्टी तो नेम एड्रेस एंड प्लान ऑफ द लेंडर चैप्टर सिक्स एविडेंस इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर तो जब फाइनली टोटल इनकम अंडर हेड सैलरी निकलती है ना तो कहीं ना कहीं दोस्तों डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स ए जब फाइनल कंप्यूटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी होती है तो वो भी होता है तो ऑटोमेटिकली कम हो जाती है डिडक्शन को अपन ग्रॉस सैलरी में से तो माइनस नहीं करते लेकिन क्या जी टी आई में से माइनस करते हैं टोटल इनकम ये तो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है एक्सपेंसेस करे हैं विच आर अलाउड डिडक्शन अंडर चैप्टर सिक्स है एटीसी से एटीयू देन उसकी भी छूट है तो उसके आपको एविडेंसेस देने पड़ेंगे टीडीएस ऑन प्री मेच्योर विड्रॉल फ्रॉम एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इफ यू आर विड्रॉइंग योर प्रोविडेंट फंड बिफोर द स्टिपुलेटेड टाइम देन टेन टीडीएस कटेगा अगर पचास रुपए से ज्यादा का हुआ तो अगर पैन नंबर नहीं दोगे तो थर्टी परसेंट मैक्सिम मार्जिनल रेट के हिसाब से कटता है टीडीएस फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज सिक्योरिटीज पेयर पेयर ऑफ इंटरेस्ट ऑन से आपने किसी कंपनी के बॉन्ड्स खरीद रखे हैं बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट मिलता है तो वो सेक्शन वन नाइनटी थ्री में टीडीएस काटेगा रेसिडेंट पर्सन होल्डिंग सिक्योरिटीज रेट टेन परसेंट है नो टी डी एस ऑन नोटिफाइड सिक्योरिटीज यू कैन हैव अ रीडिंग ऑफ द नोटिफाइड सिक्योरिटीज आई एम कमिंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट नो टीडीएस ये वाली लिमिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है नो टीडीएस एंड द पेमेंट इज मेड बाय अ पब्लिक कंपनी तो दीज आर द्री कंडीशन दैट नीड्स टू बी सैटिस्फाइड पांच हजार तक का पेमेंट होगा तो फिर टीडीएस नहीं कटेगा नेक्स्ट टीडीएस फ्रॉम

ऑडिट कब होती है 44 2. है अंडर सेक्शन कहते हैं सर अगर बिजनेस तो एक करोड़ से ज्यादा के टर्न ओवर पर ऑडिट करानी पड़ती है इंटरेस्ट फॉर द एंटायर ईयर नॉट एक्सीड फाइव थाउजेंड बट वेयर पेयर इज अ बैंकिंग कंपनी जहां पर आपने टाइम डिपॉजिट करा रखे हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के साथ पोस्ट ऑफिस के साथ इन दैट केस द लिमिट हैज बीन है 50, की. ये आप लोगों को ध्यान रखनी ही होगी टाइम डिपोजिट में रेकरिंग डिपॉजिट भी कंसिडर करे जाते हैं नो टीडीएस शी डिटेड इन दीज आर दाइव पॉइंट ऑन विच एनी अमाउंट ऑफ पेमेंट मेड फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट विल नॉट अट्रैक्ट द प्रोविजन सेक्शन टीडीएस नहीं काटा जाएगा जैसे अगर फॉर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है तो उस पर जरूरत नहीं है पहला पेयर कौन है पैसा देने वाला कौन है जो लॉटरी ऑर्गेनाइजर है

तो पूरे अमाउंट पर टीडीएस कटेगा इस चीज का ध्यान रखेंगे इसका एक ही एक्सेप्शन है सेक्शन 194 एन विच इज अ न्यू इंसर्शन। उसके बारे में आगे डिस्कशन होगा अगर सर 8000 की लॉटरी जीती है तो क्या वो इनकम नहीं हो oh, oh, ये किसने कहा? 8000 की अगर लॉटरी जीती है तो दैट इज स्टिल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इट इज स्टिल रूपीज आपने कार जीती है तो टोटल अमाउंट दैट यू है थर्टी परसेंट ये पेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिफोर रिलीजिंग दिनिंग उसके पास दो लाख दस हजार रुपए कैश में जमा कर ले बिकॉज दैट इज वॉट हैज बी डिपोजिटेड गवर्नमेंट तो सर टू लैक्स कैश था वो तो वो देगा नहीं और गाड़ी की चाबी देने से पहले टेन द कैश प्राइस इज नॉट सफिश टू मीट द लाइबिलिटी फॉर टैक्स डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द होल विनिंग्स द पेयर बिफोर रिलीजिंग द विनिंग्स शैल इंश्योर द टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच विनिंग्स अगर इंस्टॉलमेंट्स में है तो जब जब इंस्टॉलमेंट्स पे करा जाएगा तब तब

अगर ऑडिट हुई है देन आपके पास प्रोफेशनल है प्रोफेशनल तो गाइड कर ही देगा ऑडिट नहीं हुई है तो आपको एग्जाम करा गया अंडर सेक्शन फोर सी पे रेसिडेंट कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर रेट वन परसेंट फॉर इंडिविजुअल एच यू एफ कॉन्ट्रैक्टर तो द रेट ऑफ टी डी एस विल डिपेंड अपॉन द कॉन्ट्रैक्टर नॉट द पर्सन हु इज मेकिंग द पेमेंट द पे तो इफ द पेई इज एन इंडिविजुअल और एच यू एफ कॉन्ट्रैक्टर तो वन परसेंट

अगर एक लाख से ज्यादा हो गया तो तो टोटल अमाउंट पे कटेगा इस चीज का ध्यान रखेंगे पेमेंट मेड बाय एन इंडिविजुअल एच एक्स एक्सक्लूसिवली फॉर देयर पर्सनल पर्पेज बाहर हो गए टी के प्रोविजन से या आप ट्रक्स वालों को दो ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर से दोस्तों सभी घबराते हैं तो अगर छोटा ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर है द वन हु इज हैविंग अप टू टेन गुड्स कैरेजेस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो अपना पैन दे रहा है इन दैट सिनेरियो उसे परेशान करने की जरूरत नहीं है उसे पूरा का पूरा पैसा दे दिया जाए टीडीएस फ्रॉम इंश्योरेंस कमीशन आप इंश्योरेंस एजेंट हो इंश्योरेंस की पॉलिसी बेचते हो एंड द इंश्योरेंस कंपनी मेक्स यूर पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कमीशन देन फाइव परसेंट टी डी एस चाल बी डिडक्टेड वेयर द एग्रीगेट पेमेंट ड्यूरिंग द एंटायर ईयर इज मोर देन फिफ्टीन थाउजेंड तो अगर पंद्रह हजार तक है तो कोई टी डी एस नहीं है पंद्रह हजार से ज्यादा है तो फाइव परसेंट डी एस ऑन पेमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ध्यान से सुनेंगे मेरी बात दोस्तों पेयर एनीसम रिपोर्सिबल फॉर पेनीर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकलीस कॉरपोरेशन पे रेसिडेंट परसन वन परसेंट उस पर रेट लगता है कितना लगता है वन परसेंट लेकिन विद इफेक्ट फ्रॉम वन नाइन टू थाउजेंड एंड नाइनटीन ये अमेंडमेंट आया टी डी एस फाइव परसेंट लगेगा ऑन टोटल सम रिसीव लेस अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड पहले क्या होता था वन परसेंट ऑन द टोटल टू थाउजेंड नाइनटीन दीडीएस रेटर सेक्शन इंक्रीज टू फाइव परसेंट बट दिसेंट विल नॉट अपलाई ऑन टू दिस फाइव परसेंट विल अपलाईन टू दोटल माइनस द इंश्योरेंस प्रीमियम दैट यू है तो इफ यू हैव पेड थ्री लाख रूपीज एंड रिसीव्ड एट लाख तो पहले क्या होता था एट लाख पर वन परसेंट अब क्या सरकार कर रही है एट लाख में से थ्री लाख माइनस कर दो फाइव लाख पर फाइव परसेंट बट यूल रिमेंबर दिस डेट कहते हैं ठीक है सर नो टीडीएस इफ टोटल अगर एक लाख से कम का है तो टीडीएस नहीं कटेगा यह पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों बिकॉज

अच्छा अगर आप लोगों को ध्यान हो डिडक्शन वाले चैप्टर में कैपिटल सम अश्योर्ड का टेन परसेंट वेयर दॉलिसी रिमेम्बर टू थाउजेंड ट्वेल्व के बाद अगर आप पॉलिसी परचेज करते हैं तो टेन परसेंट ऑफ द कैपिटल सम सम्योर्ड तक की छूट मिलती है तो वेयर योर प्रीमियम अमाउंट इज अपू टेन परसेंट ऑफ द कैपिटल सम समिफ्टीन परसेंट इन केस ऑफ डिस

टीडीएस ऑन पेमेंट इनपॉक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ डिपॉजिट अंडर एन एस सी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड से ज्यादा की पेमेंट है तो टेन परसेंट टी डी एस कटेगा दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पेमेंट मेड टू दियर ऑफ द एस एस सी अगर पेमेंट हियर को दी जा रही है इवेंट ऑफ डेथ तो वहां पर यह प्रोविजन नहीं लगेंगे सेक्शन वन नाइनटी फोर जी टी डी एस फ्रॉम सेल ऑफ लॉटरी टिकट आप लॉटरी टिकट Uh, बेचते हो लॉटरी ऑर्गेनाइजर के एजेंट हो घर घर जाके लॉटरी टिकट्स बेचते हो जितनी ज्यादा टिकट्स बेचोगे उतना ज़्यादा कमीशन कमीशन मिलेगा तो पर टीडीएस है 5 का टीडीएस कटेगा पंद्रह हजार से ज्यादा लेकिन वही एक्सेप्शन इंडिविजुअल एंड एच एफ इफ अकाउंट वर नॉट ऑडिटेड इन द ईयर अगर पिछले साल में बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट नहीं हुई थी तो आपको फिर से सेक्शन एच फॉलो करने की जरूरत नहीं है रेट है, परसेंट लिमिट, नो टीडीएस अगर 15,000 तक की पेमेंट है या फिर द पेमेंट इज मेड बाय बीएसएनएल एमटीएनएल गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं, टू देयर पब्लिक कॉल ऑफिस फ्रेंचाइजीज टीडीएस अंडर सेक्शन फोर एच इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रोफेशनल सर्विसेज क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज में दोस्तों कहीं ना कहीं सेक्शन 194 जे अप्लाई किया जाता है नेक्स्ट टीडीएस फ्रॉम रेंट सेक्शन 194 आई दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज सेक्शन 194 आई आई ए आई बी ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है तो फॉर द नेक्स्ट फाइव मिनट्स आई वॉन्ट योर गाय आई वॉन्ट यू गाइज टू पे एक्स्ट्रा अटेंशन ऑल एस एस हर एक कवर्ड लेकिन अगर इंडिविजुअल एच यू एफ बुक्स ऑफ अकाउंट जिनकी ऑडिट नहीं हुई प्रेसिडिंग ईयर में बच गए लैंड एंड बिल्डिंग पर टीडीएस कटता है टेन परसेंट प्लांट एंड मशीनरी पर टू परसेंट कटेगा फर्नीचर फिटिंग्स पर भी टेन परसेंट नो टीडीएस इफ टोटल अमाउंट डज नॉट एक्सीड टू लैख फोर्टी थाउजेंड रुपीज फेयरफ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए कहते हैं सेक्शन 194 आई शेल नॉट अप्लाई ऑन पेमेंट्स मेड बाय द कस्टमर टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर

अगर मैं आपके टमाटर रख रह रहा हूं तो मैं आपसे पैसा लूंगा मैंने कहा बिल्कुल सही बात है तो द अमाउंट आई एम मेकिंग टू द कोल्ड स्टोरेज ओनर विल दैट बी बी टू रेंट नो नो एज यू कैन सी इट इन दिस पैराग्राफ सरकार कहती है सेक्शन वन नाइनटी फोर सी एप्लीकेबल हो सकता है कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट तो है ही ना कहीं ना कहीं कहते हैं हाँ सर तो इन दिस से आई नहीं लगेगा वन नाइनटी फोर सी की कंडीशन लग सकती है फिर सेक्शन 194 आई वहां पर भी नहीं लगेगा कहा कहते हैं रेमिटेंस ऑफ पैसेंजर सर्विस फीस बाय एन एयरलाइन टू एयरपोर्ट ऑपरेटर पैसेंजर सर्विस फीस बहुत ही आसान सी चीज है दोस्तों कि हम में या इफ आई हैव टू कैच अ फ्लाइट मैं क्या अपने घर के बाहर से फ्लाइट को पिकअप कर लेता हूं कहते नहीं सर एवरीबडी हैजूमुलेट एट अ पॉइंट जिसे अपन एयरपोर्ट बोलते हैं वेल well डन एयरपोर्ट अथॉरिटी एयरलाइन से पैसा लेती है इन ऑर्डर टू अकोमोडेट अकॉमोडेट पैसेंजर्स जब तक वो आपकी फ्लाइट में बैठ के ओड नहीं जाते तो इन दैट केस उस पेमेंट को बोलते हैं पैसेंजर सर्विस फीस आप एयरपोर्ट पर जाते हो वहां बैठते हो एज लॉन्ग एज आपकी फ्लाइट में आप बोर्ड नहीं कर जाते एंड द फ्लाइट ऑफ तो इन दैट केस विल दैट आल्सो बी कंसीडर्ड टू बी रेंट द गवर्नमेंट से नो और उसको कहते हैं द प्राइमरी रिक्वायरमेंट ऑफ रेंट दैट इज दैट द पेमेंट मस्ट बी फॉर द यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एंड मीयर इंसिडेंटल और इनसिग्निफिकेंट यूज ऑफ द सेम वाइल प्रोवाइडिंग अदर फैसिलिटीज द मेन फैसिलिटीज ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स एंड पैसेंजर्स एंड सर्विस वुड नॉट मेक इट अ पेमेंट फॉर यूज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सो एज टू अट्रैक्ट सेक्शन 194I. नाइनटी फोर आई लास्ट पॉइंट नो टीडीएस अंडर सेक्शन वन और लमसम लीज प्रीमियम और वन टाइम अप्रॉम लीज चार्जेस विच आर नॉट एडजस्टेबल अगेंस्ट पीरियोडिक रेंट जिसे अपन जनरली क्या बोलते हैं दोस्तों सिक्योरिटी तो अगर आप एज ए टेनेंट लैंडलॉर्ड को पेमेंट करते हो सिक्योरिटी चार्जेस लेट्स जनरली जो कि दो तीन महीने की होती है तो इन दिनारियो उस पर टीडीएस नहीं काटना सिर्फ रेंट जो आप पीरियोडिक पेमेंट कर रहे हो रेंट का उस पर टीडीएस काटना है नेक्स्ट टीडीएस ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी सेक्शन वन नाइन आई ए विच पेयर एनी रेसिडेंट ट्रांसफर पेयर कौन है कोई भी जो अपना घर बेच रहा है पे एनी पर्सन जिसे पैसा मिल रहा है ये yes no? हाँ, सर कह रहे सर रेट वन परसेंट वन परसेंट टी डी एस विल बी डिडक्टेड बाय द बायर जो खरीद रहा है ना प्रॉपर्टी दोस्तों

इलेक्ट्रिसिटी और वाटर फैसिलिटी फीस मतलब कई बार क्या होता है दोस्तों जो हम बिल्डर को पेमेंट करते हैं वी नॉट ओनली मेक द पेमेंट फॉर द बिल्डिंग वी आल्सो मेक अदर पेमेंट्स इन द नेचर ऑफ क्लब मेंबरशिप फीस कार पार्किंग फीस तो ये जो 50 लाख की लिमिट है ये सिर्फ प्रॉपर्टी को लेकर है या सबको क्लब करके देखना है एवरी विल बी कंसिडर्ड सबको क्लब करके देखा जाएगा तो इफ इट एक्सीड अब फिफ्टी लैख रुपीज देन टीडीएस शाल बी डिडक्टेड

मैं सेवेंटी थाउजेंड में से माइनस कर दूंगा वाइल मेकिंग द पेमेंट ऑफ रेंट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त और यहां पे भी मुझे टैन के लिए अप्लाई नहीं करना है टीडीएस ऑन पेमेंट ऑफ अंडर स्पेसिफाइड एग्रीमेंट सेक्शन वन नाइनटी ये स्पेसिफाइड एग्रीमेंट्स क्या है दोस्तों ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होता है द पर्सन अ पर्सन ट्रांसफर पीस ऑफ लैंड टू अ बिल्डर बिल्डर उस पर रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाता है रेसिडेंशियल बिल्डिंग बनाता है एंड इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हिस्सा दे देता है और कुछ मॉनिटरी पेमेंट भी देता है कई केसेस में देता है कई में नहीं देता है. तो अगर मॉनिटरी पेमेंट दी जा रही है तो टेन परसेंट टीडीएस कटेगा विदाउट एनी लिमिट ज्वाइंट डेवलपमेंट अग्रीमेंट क्या होता है ये आप पढ़ सकते हैं आप जानते भी हैं टीडीएस ऑन फीस फॉर प्रोफेशनल और टेक्निकल सर्विस और रॉयल्टी सेक्शन वन नाइनटी फोर जे पे विद पॉइंट इंडिविजुअल इन द प्रसिडिंग इच गए सेक्शन फोर जे से पे रेसिडेंट परसेंट रेट टेन परसेंट टू परसेंट वेयर दिन द बिजनेस ऑफ ऑपरेशन ऑफ कॉल सेंटर्स अगर कॉल सेंटर्स का काम कर रहे हो तो इन दैट केस टू परसेंट लगेगा नो टीडीएस इफ द टोटल अमाउंट डिस नॉट एक्सीड थर्टी थाउजेंड This limit is applicable separately for each payment. What do you mean by that? Dekho, is section may 194 J may points haten. professional services, technical services, and royalty. So, if I am providing professional services to an organization and I am also receiving some royalty from that organization, so I am receiving two payments one in the form of professional services, another in the form of royalty, then the 30,000 limit will apply to each payment, not aggregately. क्या क्लियर हुआ कहते हैं एनी रेमरेशन ऑफ फीस टू अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी विच इज नॉट इन भी दोस्तों बिकॉज इन डायरेक्टर इज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल सर्विसेज टू द कंपनी और इसके लिए कोई लिमिट भी नहीं है थर्टी थाउजेंड की कोई लिमिट नहीं है तो अगर टेन थाउजेंड भी पेमेंट होगा तो टीडीएस कटेगा थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स टीपीएज लायबल टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 194जे ऑन पेमेंट टू हॉस्पिटल्स ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी सो दिस वाज अ स्मॉल आई शुड से क्लैरिफिकेशन बाय सीबीडीटी कि अगर थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर्स हुए जो कि पेमेंट किसे कर रहे हैं इंश्योरेंस पेमेंट uh, कर रहे हैं हॉस्पिटल्स को ऑन बिहाफ ऑफ इंश्योरेंस कंपनी वो भी टीडीएस डिडक्ट करेंगे अंडर सेक्शन 194जे टीडीएस ऑन कंपेसेशन ऑन एक्विजीशन ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर करी गई है कंपल्सरली तो टी डी एस कटता है कितना टेन परसेंट वेयर द अमाउंट इज एक्सीडिंग टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एंड नाउ कमिंग ऑन टू दू न्यू इंसम एप्लीकेबल फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ सेबर टू थाउजेंड नाइनटीन सेक्शन वन नाइनटी फोर एम टीडीएस ऑन पेमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट वर्क और फीस फॉर प्रोफेशनल सर्विस और कमिशन ऑफ ब्रोकरेज सर वॉट आर यू टॉकउट कॉन्ट्रैक्ट वर्क सेक्शनल सर नया सेक्शन बनाने की क्या जरूरत है सरकार ने नया सेक्शन उन्हीं लोगों के लिए बनाया कि जो इन तीनों सेक्शन में नहीं आ पा रहे हैं एज यू कैन सी देखो वन नाइनटी फोर सी में नहीं आ रहे वन नाइनटी फोर एच में नहीं आ रहे थे टी फोर जे में नहीं आ रहे हो देशन वन नाइनटी फोर एम शुड अप्लाई टू यू लेकिन इसकी भी लिमिट है क्या है रेट फाइव परसेंट रेट ऑफ टी डी एस है लेकिन अमाउंट पचास लाख से ज्यादा होगा तब इसमें भी डिडक्टर को टैन के लिए अप्लाई करने की जरूरत नहीं है क्या क्लियर हुआ तो इफ सेक्शन फोर सी अपलाईस टू यू यू विल नॉट नॉक द डोर वन नाइनटी फोर एम सेक्शन फोर सी एच एंड जे दे दीज थ्री सेक्शंस इफ यू कैन गो बैक आप देखोगे एक कॉमन पॉइंट था वो ये था कि जिनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स पिछले साल में ऑडिट नहीं हुई हैं वो इन तीनों सेक्शन से बच जाते थे उन पर सेक्शन 194 एम लगेगा 5 परसेंट रेट ऑफ टीडीएस है अगर अमाउंट 50 लाख से ज्यादा का होता है तो डिडक्टर को फिर भी लायबल नहीं होना है फॉर टेन सेक्शन 194 एंड दिस इज अमेजिंग और ये आएगा ही आएगा गारंटीड है टीडीएस डी एस ऑन कैश विद्रॉल एंड दिस सेक्शन आल्सो केम इनटू टू फ्रॉम द दर्स्ट ऑफ से कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस आप बैंक से आके कैश विद्रॉ कर रहे हो तो सरकार कहती है कि राठी जी इफ यू आर विद्रॉइंग कैश फ्रॉम द बैंक अब करोड़ रुपीज देन इन दिस सेक्शन जनरली सारे सेक्शन में क्या होता था कि लिमिट क्रॉस कर जाते थे तो टोटल अमाउंट पर टीडीएस कटता था

since this section came into force from the 1st of september 2019 if i have already withdrawn cash above 1 crore rupees let's say till the month of august maine august तो se pehle 1 crore se zyada cash withdraw kar liya hai to kya september se mere liye 1 crore ki fir se limit applicable hogi नहीं दोस्तों सरकार यह कहती है कि राठी जी अगर एक करोड़ पहले withdraw कर लिया है let's say आपने वन करोड़ फिफ्टी lakhs भी withdraw कर लिया before the 1st of September, we will not deduct TDS on that amount. फर्स्ट से यहां पर आपकी वन करोड़ की लिमिट नहीं होगी क्या क्लियर हुआ कहते हैं हां अच्छा अगर फर्स्ट सेप्टेंबर से पहले एट्टी लैक्स विदड्रॉ करे और फर्स्ट सेप्टेंबर के बाद फोर्टी लैक्स विदड्रॉ करे तो सर एट्टी लैक्स भी कंसिडर किया जाएगा

पहला मनी विड्रॉन बाय कैश एजेंसीज़ विच आर जनरली नोन है सीआरएस इनका क्या काम होता है दोस्तों बैंक के अकाउंट से पैसा विड्रॉ करते हैं और एटीएम में वो पैसा रिप्लेनिश करते हैं तो दे आर नॉट यूजिंग इट फॉर देमसेल दे आर विड्रॉइंग दिस कैश फॉर द पर्पज फॉर द कन्वीनियंस ऑफ द जनरल पब्लिक सरकार ने कहा माफ करो इन पर टीडीएस नहीं कटेगा नेक्स्ट कैश विड्रॉन बाय कमीशन एजेंट और ट्रेडर ऑपरेटिंग अंडर एपीएमसी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी के आप एजेंट हो और एजेंट बैंक अकाउंट से कैश विद्रॉ कर रहा है एक करोड़ से ज्यादा का कर रहा है खुद के लिए कर रहा है नहीं सर बिकॉज दैट अमाउंट ऑफ मनी हैजू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू द फार्मर तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेनिफिट टू द फार्मर सरकार ने यहां पर भी टी के प्रोविजन हटा दिए थर्ड

अच्छा इंडिया से जब टूरिस्ट आउटसाइड इंडिया जाता है तो वो डॉलर लेकर जाता है डॉलर खरीद लेता है अब सारे डॉलर जब खर्चा नहीं हुआ तो वापस आया और उसने डॉलर दिए फिर पैसे ले लिए तो इन दैट केस ऑथराइज ये मनी चेंजर्स हैं उनके लिए सरकार ने एक करोड़ वाली यह लिमिट हटा दी उनके लिए टीडीएस के प्रोविजंस नहीं लगेंगे क्या क्लियर हुआ क्या है एप्सल्यूटली सर पर्सन टू होम क्रेडिट टू बी गिवन फॉर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स एंड पेमेंट ऑफ अंडर सेक्शन किसे टीडीएस का बेनिफिट मिलेगा जनरली तो रेसिपिएंट को मिलता है लेकिन कैश विदड्रॉ आपके अकाउंट से तो काफी लोग कर सकते हैं थ्रू चेक तो सर सर इस केस में किसको बेनिफिट मिलेगा जिसका अकाउंट होल्डर है जिसके नाम पर अकाउंट है उसे बेनिफिट मिलेगा कहते हैं क्रेडिट फॉर टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स शैल बी गिवन टू द पर्सन फ्रॉम हुज अकाउंट टैक्स इज डिडक्टेड एंड पेड टू द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंट फॉर देंट इयर रेलिवेंट टू दीवियस इयर इन विच सच टैक्स डिडक्शन इज मेड सर्टिफिकेट ऑफ लोअर रेट सेक्शन सेक्शन बनाया फॉर ऑल दो इट वेरी हार्ड ऑन टूम की टी डी एस प्रोविजन की वजह से हमारा जो टी डी एस कट रहा है वो कटना ही नहीं चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी टैक्स लाइबिलिटी इज नेक्स टू नेगेलिजिबल

अगर आपको पेमेंट पांच लाख की होनी चाहिए थी जिसमें से फोर लैख फिफ्टी थाउजेंड इज वॉट यू है गवर्नमेंट फाइव लाख इज योर इनकम नो फाइव लाख विल बी शोन इन टू द रिस्पेक्टिव हेड हाउ एवर दो पॉइंट में इनकम नहीं मानी जाएगी पहला सेक्शन 192 नाइनटी ए दैट इज टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स व्हिच इज जनरली पेड बाय द एम्प्लॉयर क्शन वन नाइन एन क्योंकि जो रेसिपियंट है तो ठीक है एम्प्लॉय है और इसे तो एक्सैम्ड भी किया गया है अंडर दीज सेक्शन टेन आप इनकम का एग्जाम का जो लेक्चर है उसे रेफर कर सकते हैं सेक्शन वन नाइनटी फोर एन में आप जो अपना ही तो पैसा विद्रॉ कर रहे हो फ्रॉम द बैंक अकाउंट

कब तक जाके सरकार को जमा करा देनी है दोस्तों दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम दिस चैप्टर द टैक्स इज बिंग डिडक्टेड बाय द गवर्नमेंट विदाउट प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चलान सेम डे विद बाय गवर्नमेंट विद प्रोडक्शन ऑफ इनकम टैक्स चलान ऑन और बिफोर सेवन डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ इन विच टैक्स इज डिडक्टेड मतलब अगर अप्रैल के महीने में टीडीएस कटा है लेट्स से इट हैज बीन डिडक्टेड ऑन द फिफ्टीन ऑफ अप्रैल then it has to be deposited by the 7th of the of next next month। month sir may। may In other cases, अगर मार्च का क्योंकि मार्च के महीने में books closing होती है दोस्तों बहुत ज्यादा already burden होता है onto professionals। तो सरकार ने कहा seventh april तक मत जमा कराना 30th april तक जमा करा देना

सेक्शन 194 आई ए है ट्रांसफर ऑफ इमुबल प्रॉपर्टी उन्हें क्या अगले महीने की सात तारीख तक जमा कराना है नहीं उन्हें अगले महीने की तीस तारीख तक जमा कराना है क्या क्लियर हुआ फॉर्म ट्वेंटी डेज फ्रॉम द एंड मंथ ऑफ डिडक्शन अब देखो सेक्शन 192 कौन से हैं बता पाओगे कह रहे हैं? हाँ सर टीडीएस फ्रॉम सैलरी वेल डन वैसे ही 194 टी डी एस काटते हो उसमें अगले महीने की सात तारीख तक जमा नहीं कराना उसमें क्वार्टर खत्म होने के बाद जो अगला महीना आता है उस महीने में सात तारीख तक जमा करा देना सर एग्जांपल दो ना मतलब अप्रैल मई जून इट इज द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द ईयर तो अप्रैल में जून में जितनी भी पेमेंट्स हुई अंडर दिस सेक्शन 192, वन नाइन फोर डी और वन एच वन इनका पेमेंट अप्रैल में जून का आपको क्यूमुलेटिवली एग्रीगेटिवली कब तक जमा कराना है बाय द सेवेंथ ऑफ जुलाई अप्रैल का मई में, में जमा कराने की जरूरत नहीं है मई का जून में जमा कराने की जरूरत नहीं है अप्रैल में जून का तीनों का मिलाकर जुलाई की सात तारीख तक जमा करा देना हाँ अगर क्वार्टर एंडिंग थर्टी फर्स्ट मार्च है लास्ट क्वार्टर लास्ट क्वार्टर कौन सा होता है जनवरी फेबर मार्च का अब सर मार्च में सरकार थोड़ा सा हो जाती है, बहुत है इनको अभी परेशान मत करो थोड़ा सा टाइम एक्सटेंशन दो अब क्वार्टरली रिटर्न्स जाती हैं पेमेंट ऑफ टैक्स इट कैन बी मंथली इट कैन बी क्वार्टरली इट कैन बी इन थर्टी डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द

सितंबर की अक्टूबर दिसंबर की जनवरी लेकिन मार्च की देखो मार्च की थर्टीथ अप्रैल तक तो आप टैक्स ही जमा करा रहे थे तो सरकार ने वहां पे एक महीना और दे दिया थर्टी फर्स्ट मे तो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेज दैट यू विल हैव टू रिमेंबर वन मार्कर बन सकते हैं एमसीक्यूज बन सकते हैं दीज आर द फॉर्म्स जो जनरली इश्यू होते हैं दोस्तों आप लोग खुद से पढ़ सकते हैं लास्ट पॉइंट पेनल्टी इन केस ऑफ नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर आप रिटर्न नहीं भरते हैं तो पेनल्टी कितनी है टू हंड्रेड रुपीज पर डे एज लॉन्ग एज द डिफॉल्ट एसफॉल्ट एवर योर पेनल्टी नॉट एक्सीड द अमाउंट टी डी एस से ज्यादा पेनल्टी नहीं होगा इंटरेस्ट फॉर लेट पेमेंट दिस इज एन अमेजिंग सेक्शन और इस पर मैंने पांच छह एग्जाम्पल्स बना रखे हैं आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एट द एग्जाम्पल्स और खुद से वो एग्जाम्पल्स करना है एक बार एंड आई ट्रस्ट मी दोस्तों यू विल एंजॉय दिस सेक्शन कहते अ वेरसन लाइबल टू टैक्स फेल्स टू डू सो तो देयर कैन बी इंटरेस्ट प्रोविजन ऑन टू पार्ट दो कंडीशन दो केसेस में इंटरेस्ट लगाया जा सकता है पहला आपने टीडीएस काटना ही भूल गए और दूसरा आपने टीडीएस काटा बट यू डिड नॉट डिपॉजिट द टीडीएस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम दैट वी हैव लर्न अर्लियर कहते हैं ओके सर एक तो टीडीएस काटना ही भूल गए तो गलती हुई Lekin when you deduct TDS and do not deposit the tax, it is not a And therefore, you will be asked to pay an extra amount of interest. Let us have a look at these two paragraphs. Where a person liable to deduct tax fails to do so, he shall be charged at the rate 1% per month or part of the month from the date on which tax was deductible to the date tax is actually deducted. But where a person deducts tax and fails to pay such tax, टैक्स तो डिडक्ट किया लेकिन भूल गया जमा कराना तो इन दैट केस वन परसेंट पर मंथ परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ अप्लाई फ्रॉम द डे यू डिडक्टेड टी डी एस टिल द डे इट इज एक्चुअली पेड सच इंटरेस्ट शैल बी पेड बिफोर फर्निशिंग अ क्वार्टरली स्टेटमेंट जो रिटर्न है उससे पहले पहले अपना इंटरेस्ट जमा करा देना और एनी फेलियर टू पे टैक्स डिडक्टेड अलॉन्ग विद इंटरेस्ट शैल बी अ चार्ज अपॉन ऑल एसेट्स ऑफ द पर्सन लाइबल टू डिडक्ट टैक्स तो अगर आपने टीडीएस जमा नहीं कराया तो आपकी प्रॉपर्टी सरकार सीज कर सकती है पेयर नॉट टू बी डीम्ड एज एन असाइसी इन डिफॉल्ट पेयर को असैसी इन डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा कब जब पेई रेसिडेंट पेई अपनी रिटर्न ऑफ इनकम शो करता है उसमें अपनी ये इनकम को इंक्लूड कर लेता है और इस इनकम पे टैक्स पे कर देता है इन दिस सिनेरियो जो पेयर है वो इंटरेस्ट पे करेगा कब फ्रॉम डे द टैक्स वाज सपोज्ड टू बी डिडक्टेड टिल द फाइलिंग ऑफ रिटर्न जैसे ही रिटर्न भर गई रिटर्न में हमने इनकम भी शो कर दी पे ने और उस पर टैक्स पे कर दिया वहां तक हमें पेयर को एस इन डिफॉल्ट मानना पड़ेगा उसके बाद एस इन डिफॉल्ट का टैग हट जाएगा

तो बेसिकली जो भी इनमें से बाद में आएगा दोस्तों लेटर मतलब जो पहले या बाद में बाद में वहां तक ऑर्डर पास किया जा सकता है हाउ एवर इन दीज थ्री केसेस ये जो ऊपर की टाइम लिमिट लगाई है उसे हटा दिया गया क्या पहला केस क्या है द डिडक्टर द टैक्स उस केस में ये लिमिट सेवन ईयर्स एंड टू ईर्स की नहीं है एम्प्लॉयर टू पे टैक्सिडेंट जिसे पैसा मिला डिडक्टर होता है जो टीडीएस काटता है डिडक्टी जिसका टीडीएस कटता है मतलब पे वो कौन है नॉन रेसिडेंट है क्योंकि उसको वो जनरली आउटसाइड इंडिया है उसे पकड़ पाना इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल as it may not may it may not be administratively possible to recover the tax from the non resident clear hua kya the haan sir and these are the dosto examples for interest calculation i want you to pause the video go ahead by yourself i'll help you out let's say jo ek acha case hai na ye wala case acha hai fourth case main wo karwa deta hu dekho date of payment 27 2019 to तो 27 2019 ko tds kat jana chahiye tha टी डी एस वॉज डिडक्टेडीन एज यूक्शन लेट हो गया टू परसेंट इंटरेस्ट तो लगेगा ही लगेगा बिकॉज ऑफ लेट डिडक्शन देखो लेट डिडक्शन पे कितना है टू परसेंट तो लगेगा ही लगेगा कहते हैं ठीक है सर

TDS कब कटा था फोर एट टू थाउजेंड 2019 से फिफ्टीन नाइन टू थाउजेंड नाइन तक मंथन डेज इलेवन डेजेन टू बी वन मोर मंथ। मंथलिटी पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ तो दो महीने तो है लेकिन इंटरेस्ट लाइबिलिटी थ्री परसेंट क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया एंड नाउ द रिमेनिंग फोर फाइव केसेज इज वॉट यू कैन डू इट बाईर सेल्फ टी डी एस सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट क्या होता है एक एविडेंस दिया जाता है भाई पे ही आपका टीडीएस जो हमने काटा था वो सरकार के पास जमा करा दिया है कहते हैं कुछ प्रूफ तो दो तब हम उसे टीडीएस सर्टिफिकेट देते हैं अगर एम्प्लॉय है सैलरी इनकम है तो बोलते हैं फॉर्म सिक्सटीन सेक्शन वन नाइनटी फोर आई ये ट्रांसफर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में सिक्सटीन बी क्शन वन नाइन आई बी पेमेंट ऑफ रेंड किस टाइम तक हमें दिया जाता है नहीं annually, साल में एक बार दिया जाता है ऑन और बिफोर 15 जून ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग इमीडिएटली फॉलोइंगशियल ईयर इन विच टैक्स इज डिडक्टेड मतलब फॉर्म नंबर सिक्सटीन बी सिक्सटीन सी उसकी कोई तारीख फिक्स नहीं है उसे विद इन फिफ्टीन डेज फ्रॉम द पेमेंट ऑफ टी डी एस हमें सर्टिफिकेट देना होगा एंड फॉर्म नंबर क्वार्टरली पेमेंट क्वार्टरली क्वार्टरली का सर्टिफिकेट दिया जाता है विद इन डेज फ्रॉम द ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न तो अगर मैं पहले क्वार्टर की बात करूं तो पहले क्वार्टर की हमें रिटर्न कब तक जमा करानी होती है अप्रैल में जून की रिटर्न कब तक जमा करानी होती है सर थर्टी फर्स्ट जुलाई तक डेज फ्रॉम थर्टी फर्स्ट जुलाई मतलब तक हमें टीडीएस सर्टिफिकेट देना होगा फर्निशिंग ऑफ स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ एनी इनकम टू रेसिडेंट विद डिडक्शन टीडीएस तो दिस इज अ पर्टिकुलर सेक्शन विच रिलेट्स टू दोस्तों कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर कहते दिस सेक्शन स्टेट इफ दनी इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज टू अट इज लेस देन फोर्टी थाउजेंड इन केस द पेयर इज बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी इन फाइव थाउजेंड इन एन य केस तो स्टेटमेंट इश्यू करा जाएगा बाय द बैंकिंग कंपनी कोऑपरेटिव सोसाइटी या फिर पब्लिक कंपनी ठीक है स्टेटमेंट इन प्रेस्क्राइब फॉर्म इट इज इजी रिक्वायरमेंट टू फर्निश परमानेंट अकाउंट नंबर डिडक्ट पे का एक ही काम है अपना सही पैन नंबर देना क्योंकि पैन नंबर के बेसिस पर ही आइडेंटिफिकेशन होता है ऑफ द पे Failing to do so will attract higher of the rates. The rate specified in the relevant provisions, let's say 10%, let's say 5% or 20%, whichever is higher. So 20% TDS katega agar पेहें ने अपना correct PAN number nahi diya अगर उसने अपना invalid PAN number दिया तो माना जाएगा कि उसने कभी अपना PAN number दिया ही नहीं था and therefore 20% shall be charged. Sir sir, अगर lottery का केस है, lottery में तो already 30% लगता है. Well done. सर नॉन रेसिडेंट स्पोर्ट्समैन वगैरह के केस में तो 20.8 परसेंट लगता है वेल डन इन दैट केस ये वाला प्रोविजन विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ये देखो फॉर एग्जांपल वेयर द फॉर प्रोफेशनल सर्विसेज 20 परसेंट कटेगा इंस्टेड ऑफ 10 परसेंट क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज अंडर सेक्शन वन दोस्तों टेन है हाउ एवर इनकेस ऑफ लॉटरी थर्टी ही कटेगा

सेक्शन 194 आई बी इन केसेस के लिए अप्लाई नहीं करना लेकिन जिन्हें अप्लाई करना है उन्हें अगर ऐसा नहीं करेंगे तो टेन की पेनल्टी लगेगी अगर कोई एसिड ज्वाइंटली टू और मोर पर्सन है तो टीडीएस के बेनिफिट भी सेम प्रपोर्शन में बट जाएंगे मेकिंग पेमेंट और व्हेन क्रेडिट इज शोन अकाउंट्स टू एवर इज अर्लियर

मतलब समान बेचने वाला इंसान समान का तो पैसा लेगा ही लेगा उससे ऊपर भी थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा लेगा विच इज नोन एज टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स टीडीएस में क्या होता था जो इंसान पैसा देता था वो पैसा देते वक्त टीडीएस काटता था पैसा काट लेता था लेकिन टीसीएस में एवरी सेलर शेल एट द टाइम ऑफ डेबिटिंग द अकाउंट ऑफ द बायर बाय द अमाउंट पेबल हिम और एट एनी टाइम और एट द टाइम ऑफ रिसीट ऑफ सच अमाउंट फ्रॉम द बायर विच एवर इज अर्लियर कलेक्ट फ्रॉम दर बायर से कलेक्ट करेगा कितना टी सी एस कलेक्ट होगा दीज आर द रेट दूब टू रिमेंबर याद रखना ही पड़ेगा वन मार्कर में आ सकते हैं एल्कोहलिक लेकर फॉर ह्यूमन कंजम्शन वन परसेंट तेंदु लीज फाइव परसेंट

इंटरेस्ट इन अ पार्किंग लॉट और टोल प्लाजा और आप लोग जानते हैं दोस्तों टेंडर्स निकलते हैं पार्किंग लॉट के टेंडर्स निकलते हैं टोल प्लाजा के टेंडर्स निकलते हैं माइंस के टेंडर्स निकलते हैं तो द पर्सन हु इज ग्रांटिंग सच राइट्स जो आपको अधिकार दे रहा है वो आपसे पैसा कलेक्ट करेगा ये नो कहते हैं हाँ सर तो ही विल नॉट ओनली कलेक्ट जो ऑक्शन के हिसाब से जो अमाउंट आया उस पर टू परसेंट और लेगा और सेक्शन टू हंड्रेड एंड सिक्स से ज्यादा एक्सपेंसिव की गाड़ी खरीद रहे हो तो वन परसेंट टी सी एस लगेगा हाउ एवर टी सी एस शेल नॉट डीलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स लेट्स है अगर आज मेरी Hyundai एक कंपनी है दोस्तों उसकी मेरा खुद का शोरूम है तो मैं अपने आप गाड़ी नहीं बनाता हूं मैं तो मैन्युफैक्चरर से खरीदता हूँ लोगों को कस्टमर्स को बेचता हूँ नियर बाय शोरूम पे जाते हो सो so, शोरूम पे जाते हैं तो आई एम दैट शोरूम वाला फ्रॉम द मैन्युफेक्चर जब मुझे गाड़ी देता है गाड़ी बेचता है तो क्या टीसीएस लगेगा नहीं जब मैं आपको दूंगा तो टीसीएस लगेगा क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ, हां सर बिल्कुल क्लियर हो गया नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स बहुत ही आसान चैप्टर है दोस्तों बहुत ही छोटा चैप्टर है विल नॉट टेक मोर देन टेन फिफ्टीन मिनट्स दोस्तों एंड विल बी डन लाइबिलिटी फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स दिस इज वॉट दसेसी हैज टू पे बाय हिमसेल्फ खुद से जाके जमा कराना है और जिसे अपन इजी लैंग्वेज में बोलते हैं पे एज स्कीम जैसे जैसे कमाते जाओ वैसे वैसे सरकार को देते जाओ प्रीवियस प्रीवियस ईयर में जब आपकी फाइनलिटी आएगी तो उसमें से अमाउंट ऑफ एडवांस इट उसे माइनस कर देना रिमेनिंग आप सेक्शन 140 ए के तहत सेल्फ असेसमेंट के तहत आप पे कर देते हैं सर इट इज इजी

स्टेप वन माइनस स्टेप टू मतलब अगर स्टेप फोर आपका टेन थाउजेंड रुपीज को टच कर जाता है जो स्टेप फोर है देन यू विल बी लाइबल टू फॉलो द एडवांस टैक्स प्रोविजन टोटल इनकम मीन एस्टिमेट ऑफ इनकम लाइकली टू बी अर्न अंडर फाइव ऑफ इनकम माइनस ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस माइनस डिडक्शन अंडर सेक्शन से ठीक है जी टोटल इनकम तो ये जानते हैं ये पॉइंट बड़ा अच्छा है टैक्स डिडक्टेबल बट नॉट डिडक्टेड

क्शन टू हंड्रेड एंड टेन फोर एंड है फॉर द पर्पज ऑफ एडवांस टैक्स एस्टिमेटेड एग्रीकल्चरल इनकम ऑफ द financial फाइनेंशियल ईयर शेल ऑल्सो बी इंक्लूडेड फॉर रेट क्योंकि यू गाइज नो कि वेर देर इज एन एग्रीकल्चरल इनकम कंपन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी टेक्स अ टर्न और उसमें डिफरेंट स्टेप्स होते हैं इन ऑर्डर टू कंप्यूट द टैक्स लाइबिलिटी यू कैन रेफर एग्रीकल्चरल इनकम चैप्टर रिवेशन फॉर दैट इंस्टॉलमेंट ऑफ एडवांस टैक्स एंड ड्यू डेट्स कब तक आपको जमा करा देना और कितना जमा करा देना है ऑल एस अदर देन देसी कंप्यूटिंग इनकम ऑन प्रिजिव बेसिस अंडर सेक्शन फोर एडी एंड फोर्टी फोर एडीए सर सर फोर्टी फोर ए भी तो होता है उनके लिए यही फॉलो करना है फॉर फोर्टी फोर एडी एंड फोर्टी फोर एडीए देस आपको पेमेंट करनी है, है पूरा अमाउंट की नहीं करनी जितना आपका फिफ्टीन परसेंट फिफ्टीन सेप्टेंबर सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना पे कर देना है फोर्टी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा फोर्टी फाइव नहीं है ध्यान रखना एक्स्ट्रा फोर्टी फाइव नहीं है फोर्टी फाइव परसेंट तक लेट्स टैक्स लाइबिलिटी

उन्हें वन इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है और वो कौन सा है लास्ट वाला फिफ्टीन मार्च उसी में अपना हंड्रेड परसेंट पे कर देना है उन्हें हर वाला हर इंस्टॉलमेंट फॉलो करने की जरूरत नहीं है वेयर द लास्ट डे ऑल दो द लास्ट डे ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स फिफ्टीन मार्च अगर आपने सिक्सटीन मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च तक पे किया तो क्या उसे भी एडवांस टैक्स माना जाए यस एडवांस टैक्स तो मान लेंगे but because you are making the payment beyond the due dates you will be liable to interest if the last day of payment of any installment let's say pehla hai 15 june us din sunday pad gaya to bank to band tha to kya hum next working day mein payment kar sakte hain kar sakte hain in that scenario no interest will be charged under section 234b or 234c kehte hain on which the receiving bank is closed the assessee can make payment on the next immediately following working day no interest सेक्शन 234 थर्टी फोर बी इंटरेस्ट फॉर नॉन पेमेंट और शॉर्ट पेमेंट ऑफ एडवांस एडवांस टैक्स, टैक्स सेक्शन या फ्रॉम द द फर्स्ट डे ऑफ़ असेसमेंट ईयर, ध्यान से मेरी बात सुनना, आपका लायबिलिटी फॉर द दर लेट लाख रुपीज है तो 8, पे लगेगा या नहीं लगेगा नहीं लगेगा सर बिकॉज जो पहला पॉइंट कहता है इफ एडवांस टैक्स इज नॉट पेड या तो पे ही नहीं किया गया और अमाउंट पेड इज लेस देन नाइन्टी परसेंट नाइनटी परसेंट से कम होगा तो ही सेक्शन टू थर्टी फोर बी लगेगा वेल्टर well no सर वन लैख का नाइनटी परसेंट इज नाइन्टी थाउजेंड एंड सिंस द दी पेड नाइनटी टू थाउजेंड नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर बी सुपर अच्छा वेयर दी टू थाउजेंड इन दैट सिनेरियो क्या होगा कहते हैं सर इन दैट सिनेरियो where the assessee has made a payment of less than 90 percent in that case one percent per month or part of the month shall be applied on the amount that is not paid eighteen thousand in this case from the first of april following the financial year matlab first of april of the assessment year till the date of payment interest should be calculated on the amount of assessed tax one lakh minus advance tax paid eighty two thousand interest for deferment of tax ये है आपका बियॉन्ड द ड्यू डेट्स जो आपकी ड्यू डेट्स थी 15 जून उससे ज्यादा लेट हो गए आपने 16 जून को जमा कराया तो इन दैट केस कितना इंटरेस्ट लगेगा सर वन परसेंट पर मंथ लेकिन फॉर थ्री डन मतलब इवन इफ यू आर लेट बाय वन डे इंटरेस्ट विल बी चार्ज एट द रेट थ्री परसेंट लेट एस लुक एट दिस एंड दिस इज लाइक अ वेरी स्ट्रिक्ट सेक्शन कि अगर एक भी दिन लेट हो गए तो तीन इंटरेस्ट लगेगा

और फर्स्ट अप्रैल से तो सेक्शन टू थर्टी लगता है तो सिक्सटीन मार्च से थर्टी फर्स्ट मार्च के बीच में पेमेंट किया है तो देन इट विल बी वन परसेंट फॉर वन मंथ बट इन केस ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट इट विल बी फिफ्टींथ मार्च ऑफ फिफ्टीन मार्च द इंटरेस्ट लाइबिलिटी विल बी वन परसेंट फॉर वन मंथ इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स पेबल अप टू दैट डेट माइनस एक्चुअल टैक्स पेड रिलीफ थर्टी फोर सी नहीं लगेगा अगर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट ट्वेल्वेंट यानर छोड़ दो इंटरेस्ट मत लगाओ सेकेंड इंस्टॉलमेंट फोर्टी फाइव परसेंट की है लेकिन आपने थर्टी सिक्स परसेंट से ज्यादा दे दिया चलो छोड़ो इंटरेस्ट मत लगाओ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर सी थर्ड इंस्टॉलमेंट सेवेंटी फाइव परसेंट की है अगर आपने 70 परसेंट भी पे कर दिया तो 5 परसेंट जो रिमेनिंग है जो पे नहीं किया उस पर इंटरेस्ट लगेगा इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234C फॉर एस एस कंप्यूटिंग इनकम ऑन 44AD एंड 44ADA वो 1 परसेंट फॉर वन मंथ है ऑन द अमाउंट ऑफ अनपेड एडवांस टैक्स नेक्स्ट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स इन केस ऑफ कैपिटल गेन्स कैजुअल इनकम एटसेट्रा प्रोविजन टू सेक्शन टू

उसे रिवाइज करना ऑटोमेटिकली थर्ड इंस्टॉलमेंट ज्यादा पे कर देना एंड वी विल नॉट चार्ज यू एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट सर सर वॉट इफ अगर चारों ड्यू डेट्स निकल गए मतलब सर मार्च मार्च के बाद लेट्स से ऑन द ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुए तो सरकार ने कहा थर्टी फर्स्ट मार्च तक पे कर देना वी विल नॉट चार्ज यू एनी अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234c थर्टी फोर सी एंड दिस इज दिस ऑल अबाउट आई जस्ट रीड इट आउट फॉर यू But it is practically impossible to estimate capital gains, income from lotteries, dividend under section 115 BBDA, that is dividend exceeding 10 lakhs, just per 10% rate lakhtah. PGPP income arising for the first time. Therefore, in such cases, it is provided that if any such income arises after the due date of any installment, after the due date, then the entire amount of tax payable on such income should be paid in the remaining installments of advance tax which are due.

सर मतलब जो पास वाला वो उसके पर नहीं जाना ना ना ना। फॉर एक्साम्पल फिफ्टी टू थाउजेंड फोर हंड्रेड एंड एन क्या बी राउंडेड फोर हंड्रेड नॉट सर। वन मार्कर में ये भी आ सकता है। है बहुत ही ज़्यादा आसान चैप्टर दोस्तों बट बींगल चैप्टर इन द होल ऑफ इनकम टैक्स इनकम टैक्स मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं

ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम रिटर्न ऑफ इनकम स्टेटमेंट विच एवरी एस आई सीमिट इन दर लेकिन आपको भी जाके देना है कहते नहीं सर तो किन्हे किन्हीं देना है दोस्तों ये देखो एवरी पर्सन बींगसन हैदर देन अंपनी ऑफ इफ इज जी टी आई एक्सीड मैक्सिमम अमाउंट नॉट चार्जेबल टू टैक्स मतलब जीटीआई ढाई लाख रुपए तक की है ठीक है माइनस मतलब नहीं करने देंगे जो पहला चेंज आया वो यह रहा द अपीआई मतलब जीटीआई फॉर द परपज ऑफ सेक्शन शेल बी कंप्लीटेड विदउट टेकिंग एग्जामेशन अंडर द सीरीज वो कैपिटल गेंस वाली सर सीरीज है हाँ जी तो एग्जामेशन अंडर सेक्शन 54, 54 बी 54 डी ई सी एफ इनको इग्नोर कर देना फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग योर जी टी आई इन ऑर्डर टू नो वेदर आर नॉट यू आर सपोज टू फाइल योर रिटर्न ऑफ इनकम इट इज नॉट कि आपको टैक्स लाइबिलिटी ज्यादा देनी पड़ेगी इट इज जस्ट दैट कि हमें रिटर्न ऑफ इनकम भरनी है या नहीं भरनी दैट विल डिपेंड दैट विल डिपेंड ऑन दिस जीटीआई दी टी आई फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन आप डिडक्शन सेक्शन से लेंगे, क्योंकि जी टी आई में वैसे भी वो नहीं लेते और दूसरा सेक्शन फोर की सीरीज को इग्नोर करेंगे ये यू डू नॉट fall अंडर द प्रीवियस स्लाइड क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर क्योंकि प्रीवियस स्लाइड में फर्म कंपनी रिटर्न भरनी ही भरनी है और हर एक वो इंसान अदर देन कंपनी और फर्म जिसकी जी टी आई ढाई लाख से ज्यादा की है उन्हें भरनी है अगर आप इन तीनों में नहीं आते हो तो और इन चारों में आ जाते हो one, two, three, four, तो दिस इज मोर लाइक लाइबल फॉर फाइलिंग योर रिटर्न ऑफ इनकम एनी पर्सन अदर देन अ कंपनी और फर्म हु इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन इज रिक्वायर्ड टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म एंड मैनर ऑन बिफोर द ड्यू डेट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इफ सच पर्सन हैज डिपॉजिटेड एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग विदिंग ऑर अ कोऑपरेटिव बैंक तो अगर आप कैश डिपोजिट करा रहे हो एक करोड़ से ज्यादा की इन करंट अकाउंट तो आपको आर ओ आई रिटर्न ऑफ इनकम भरनी पड़ेगी

थर्टी फर्स्ट जुलाई तक अगर आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैं, क्या है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शनगरी थर्टी फर्स्ट जुलाई तक आपको भरनी पड़ेगी यह पॉइंट बहुत ही आसान है आप लोग पढ़ सकते हैं मैं मेन क्रक्स बता देता हूं कि इफ यू आर है प्रॉपर्टी इन दुबई

सच पर्सन शेल फर्निश ऑल रिटर्न रिसीव बाई हिम और ऑन और बिफोर द ड्यू डेट इन प्रिस्क्राइब फॉर्म चाहे वो फ्लॉपी डेस्क या एनी अदर कंप्यूटेबल रीडेबल मीडिया और माना जाएगा एज इफ द एम्प्लॉय हिमसेल्फर्निश द रिटर्न ऑफ इनकम कहते हैं ठीक है सर एग्जाम आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न कहते हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑन द ऑफिशियल एज बी स्पेसिफाइड फ्रॉम फाइलिंग ऑफ रिटर्न एक्ज कर देंगे लेकिन हर एक नोटिफिकेशन बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा अगर पार्लियामेंट एक्सेप्ट लोकसभा राज्यसभा इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो, तो बहुत ही अच्छी बात है अगर कुछ मॉडिफिकेशन होता है तो मॉडिफाइड फॉर्म में अप्लाई किया जाएगा और अगर कर दिया गया, the no देखो, हुआ है, दोस्तों तो इन सिनेरियो यू आर नॉट अंडर कंपल्शन टू फाइल रिटर्न ऑफ बट डू यू विश टू कैरी फॉरवर्ड योर लॉस टू द नेक्स्ट ईयर सो इनकम में सेट ऑफ से कर सके कोर्स सर

Say, अगर आपका लॉस हुआ है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप रिटर्न भरोसिंग ऑफिसर से ये नहीं कह सकते नोटिस क्यों नहीं भेजाई नहीं भर रहा था तो अरे वो कह रहे तुम्हारा लॉस है तुम भरोलिड एक्सक्यूज तो कहते हैं अगर नॉन रिसीट ऑफ नोटिस है तो इट के नॉट बी अ वैलिड एक्सक्यूज अंडर एनी सर्कमस्टांसेस फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिलेटेड रिटर्न बिलेटेड रिटर्न मतलब रिटर्न भरने में लेट कर दिया कितना लेट कर सकते हो दैट इज वॉट सेक्शन विद इन ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन नोटिस अंडर सेक्शन टू वन कैन रिवाइ कैन फाइल द रिटर्न अपर मतलब 1920 है, और लेट से रिटर्न हमें भरनी थी थर्टी फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी तक तो हम लेट कब तक कर सकते हैं थर्टी फर्स्ट ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी आपके खिलाफ केस हो गया है, तो बिफोर कम्प्लीशन रिवाइज रिटर्न एग्जैक्टली सेम पॉइंट कहते हैं इफ आफ्टर फर्निशिंग रिटर्न रिटर्न भरने के बाद पता चलता है ओहो ये तो भूल ही गए थे ओहो ये तो गलती हो गई तो इन दैट सिनेरियो आप अपनी रिटर्न को ठीक कर सकते हो विच इज नोन एज रिविजन ऑफ योर रिटर्न आप अपनी रिवाइज रिटर्न फाइल कर सकते हो वो भी सेम डेट अप टू द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर या बिफोर कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट विच एवर इज अर्लियर अब टी टू है ना लायक टी ने ओरिजिनल रिटर्न भरी वो गलत रिवाइज रिटर्न भरी वो भी गलत तो क्या रिवाइज को रिवाइज कर सकते हैं जी हाँ दोस्तों रिवाइज को रिवाइज किया जा सकता है

वेयर दिन बिजनेस प्रोफेशन ऑडिट रिपोर्ट जाएगी अगर ऑडिट होता है तो लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेसिड्रेस पार्टनर्स का एंड रिस्पेक्टिव शेयर इन द प्रोफिट तो दीज आर दिन फॉर असमैन और मतलब आपके रिटर्न को कब डिफेक्टिव माना जाएगा

Assessing officer will give you 15 days time to rectify it. Rest the points is what you can have a look by yourself. Permanent account number, PAN number section 139A. PAN is a unique 10 digits alpha numeric character issued by the income tax authority. This means the fourth alphabet of the PAN represents the nature of the assessee. मेरा जो पैन नंबर है वो है ए एस ओ पी आर सिक्स फोर जीरो थ्री जे तो इन दैट केस जो मेरा फोर्थ अल्फाबेट है वो पी है एंड पी है दोस्तों. मतलब वो इंडिविजुअल का पैन नंबर है कंपनी केस में जो फोर्थ अल्फाबेट होगा वो सी होगा एच F एफ केस में एच होगा पार्टनरशिप फॉर्म केस में एफ होगा ये सारी चीजें आप देख के पैन नंबर देख के आप बता सकते हो सामने वाले का स्टेटस क्या है एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन इज कंपलसरी इन द फॉलोइंग केसेस पहला अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक एग्जemption लिमिट से ज्यादा की है तो आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा कब तक बाय द 31st ऑफ मई ऑफ द असेसमेंट ईयर अगर आपकी बिजनेस प्रोफेशन कर रहे हो और ग्रॉस रिसीट या टर्नओवर पांच लाख से ज्यादा का है तो बिफोर द एंड ऑफ दैट फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर खत्म होने से पहले एवरी पर्सन

तो नीचे कौन आ गया ऐसा करता वेल well डन करता और ऐसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ये उन ऑर्गेनाइजेशंस के जो थर्ड पॉइंट में फॉल कर रहे हैं तो उन्हें भी थर्टी फर्स्ट मे तक अप्लाई कर देना है ऑफ 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 द असेसमेंट ईयर फॉर फॉर अलॉटमेंट अलॉटमेंट पैन पैन एनी एनी पर्सन पर्सन अदर कैन अप्लाई आप अपने इच्छा अनुसार भी पैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं इवन दो यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द अब पॉइंट्स कौन से कौन से केसेस में पैन को कंपलसरीली कोट करना पड़ेगा वन मार्कर क्वेश्चन फिर बनता है कहते हैं अगर रिटर्न चैलेंज कोरेस्पोंडेंस विद इनकम टैक्स अथॉरिटी लेकिन अच्छा लेट्से मुझे इनकम टैक्स अथॉरिटी में कुछ भी कन्वर्सेशन करना है तो आई विल ऑलवेज हैव टू फाइल माय पैन नंबर वो श्रेराटी को नहीं जानते वो ए एस ओ पी आर 6403 को 6403 जे को जानते हैं उसमें कोई लिमिट नहीं है आप गाड़ी खरीद रहे हो अदर देन टू व्हीलर तो आपको अपना पैन नंबर देना पड़ेगा आप इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद रहे हो दस लाख रुपए से ज्यादा की या वैल्यूएशन अथॉरिटी की एज पर सेक्शन सी दस लाख से ज्यादा की वैल्यू है तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा परचेज सेल ऑफ गुड्स सर्विसेस दो लाख से ज्यादा का अमाउंट है पर ट्रांजेक्शन पैन नंबर देना पड़ेगा अगर आप फॉरेन करेंसी खरीद रहे हो इन कैश तो पचास हजार से ज्यादा का है तो पैन नंबर देना पड़ेगा होटल्स रेस्टोरेंट में पेमेंट कर रहे हो इन कैश पचास हजार से ज्यादा का है तो पेमेंट करना पड़ेगा बैंक अकाउंट खोल रहे हो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड इश्यू करवा रहे हो तो पैन नंबर देना पड़ेगा बैंक को यहां पे कोई लिमिट लिमिट नहीं है टाइम डिपॉजिट एफ करा रहे हो पचास से ज्यादा की या एग्रीगेटिंग फाइव लाख रुपीज इन द होल फाइनेंशियल ईयर तो आपको पैन नंबर देना पड़ेगा तो दीज आर द लिमिट्स दैट यू विल हैव टू रिमेंबर डिपॉजिट इन कैश विद बैंक बैंक में कैश डिपॉजिट कराने जाते हैं दोस्तों तो पेन स्लिप लिखा होता है कि इफ भी जानते भी होंगे परचेज ऑफ सिक्योरिटीज एक लाख रुपए या उससे ज्यादा के ट्रांजेक्शन पे म्यूचुअल फंड शेयर बॉन्ड डिपेंस ऑफ कंपनी पचास हजार की लिमिट है इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहे हो पचास हजार की या डीमेट अकाउंट खोल रहे हो तो कोई लिमिट नहीं है तो दीज आर द्वार या आपसे में आ सकते हैं लिमिट इज वॉट यूल रिमेंबर वेयर पर्सनिंग एंटरिंग इन टू एनी ऑफ द अब ट्रांजेक्शन इज अ माइनर छोटा बच्चा है हु डज नॉट हैनी इनकम चार्जेबल टू टैक्स ही शेल कोर्ट द पैन ऑफिस फादर और मदर और गार्डियन क्लियर हुआ अगर छोटा बच्चा है जिसके पास पैन नहीं है जिसकी कोई इनकम चार्जेबल नहीं है और ही इज एंटरिंग इन टू एनी ऑफ द अब ट्रांजेक्शन थर्टीन पॉइंट जो हम लोगों ने देखे तो पैन नंबर किसका दिया जाएगा माता पिता का और गांव वगैरह के इलाकों में पैन नंबर अभी तक हर इंसान के पास नहीं पहुंचे हैं देन दे विल बी रिक्वायर्ड टू फाइल फॉर्म नंबर सिक्सटीन

पैन के लिए अप्लाई कर रहे हो इन द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अलॉटमेंट ऑफ पैन तो आप अपना आधार नंबर भी कोट करेंगे या फिर रिटर्न ऑफ इनकम भरते हुए अपना आधार नंबर कोट करेंगे सामने वाला कहता है कि मेरे पास आधार तो नहीं है लेकिन मेरे पास मैंने अप्लाई कर दिया है मेरे पास एनरोलमेंट आई है तो सरकार कहती है एनरोलमेंट आईडी दे दो एनरोलमेंट आईडी जो कि 28 डिजिट्स एनरोलमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि इशू किया जाता है जब आप अप्लाई करते हो फॉर आधार इंटीमेशन ऑफ आधार नंबर कहते हैं एवरी पर्सन हु हैज बीन अलॉटेड पैन ऑज ऑन फर्स्ट जुलाई जिनके पास ऑलरेडी फर्स्ट जुलाई 2017 तक पैन नंबर था उन्हें इनकम टैक्स अथॉरिटीज में अपना आधार नंबर अपडेट करवाना है और वो कब तक करवा देना 31st 2019 तक करवा देना. Consequences to, uh, of failure to intimate आधार पैन को कर दिया जाएगा. मतलब क्या सर कहीं कहीं ना से जुड़ी भी सारी चीजें रोक दी जाएंगी येन यू अपडेट द आधार नंबर इनकम टैक्स अथॉरिटीज इट विल बी मेड ऑपरेटिव एक्सेप्शन जहां पर आपको एट द टाइम ऑफ फाइलिंग योर रिटर्न एट द टाइम ऑफ फाइलिंग फॉर एप्लीकेशन ऑफ पैन योर आधार नंबर से बन सकता है? Question, आप नॉन रेसिडेंट हो द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन या आपकी एज 80 ईयर और मोर है सुपर सीनियर सिटीजन या आप भारत देश के सिटीजन ही नहीं हो फॉरन सिटीजन हो

इनकम टैक्स के पोर्टल्स पे आपके टी uh, जमा करा सकते हैं एडवांस टैक्स जमा करा सकते हैं तो दे कैन वर्क एज अ प्रोफेशनल फॉर यू बट आपको टी के लिए जो एग्जाम्स होते हैं कंडक्टेड बाय सीबीडीटी वो क्लैर क्लियर uh, करने पड़ते हैं क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर सीबीडीटी में ऑथराइज स्पेसिफाइड पर्सन टू एक्ट एस टी आर पी द आर नॉट एलिजिबल टू एक्ट एस टी आर पी वन टू एंड थ्री कैन नॉट बिकम अ टी आर पी ऑफिसर ऑफ एड बैंक जिसके साथ लॉयर हो या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो अगर आप ये तीन हो तो अगर आप टीआरपी का भी रोल प्ले करोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे तो सरकार ने कहा ना, ना इन लोगों को अलाउड नहीं है अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44 ए बी मतलब सिर्फ हैं लेकिन वो इंडिविजुअल जिनकी बुक्स ऑडिट होती है या वो ना जाए जो कि नॉन रेसिडेंट है कंपनी फर्म लोकल अथॉरिटीज ये तो जा ही नहीं सकते इनको तो प्रोफेशनल एडवाइस ही जरूरी है एन एलिजिबल पर्सन केन नॉट फर्निश अ रिवाइज रिटर्न ऑफ इनकम

अब आप क्या टीआरपी के पास जा सकते हो नहीं दोस्तों अब तो आपको प्रोफेशनल की ही हेल्प लेनी चाहिए या लेनी पड़ेगी। स्कीम स्पेसिफाई द मैनर इन विच टीआरपी शेल प्रिपेयर रिटर्न ऑफ इनकम उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कोड ऑफ कंडक्ट ड्यूटीज एंड ऑब्लिकेशन भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कितनी मिनिमम होनी चाहिए इन ऑर्डर टू एक्ट एज ए टी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज इंडियन यूनिवर्सिटी लेट्स डेली यूनिवर्सिटी और इंटरमीडिएट लेवल पास कर देना है देखो एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय आई सी या आई तो कंपनी सेक्रेटरी कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर इंटरमीडिएट लेवल तक पहुंच गए हैं क्लियर कर चुके हैं फाइनल लेवल तक पहुंच गए हैं तो दे कैन ऑल्सो एक्टेस्टर पीस पावर ऑफ बोर्ड टू डिस्पेंस विद फर्निशिंग डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जरूरत नहीं है इट्स अ लीगल डॉक्यूमेंट इट कैन बी प्रेजेंटेड इन ऑफ लॉ देन इट हैचर से साइन किया जाता है तो कौन करेगा इंडिविजुअल खुद करेगा अगर वो एबसेंट अ फ्रॉम इंडिया तो uh,

कंपनी के केस में एमडी एमडी नहीं है तो अदर डायरेक्टर नॉन रेसिडेंट कंपनी में पर्सन होल्डिंग पावर ऑफ अटॉर्नी कंपनी हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने ओवरटेक कर लिया तो प्रिंसिपल ऑफिसर या हर एक वो कंपनी जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन फॉर कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी बीन एक्सेप्टेड तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल अपॉइंटेड बाई अथॉरिटी

ऑर्डर ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स पेड लेट से आपका इंटरेस्ट की लाइबिलिटी टेन थाउजेंड पेनल्टी की लाइबिलिटी ट्वेंटी so, आपने जो पेमेंट करी है तो सिक्सटी थाउजेंड में से सबसे पहले क्या यूज किया जाएगा सबसे पहले फीस एंड पेनल्टी कंसिडर किया जाएगा फॉलोड बाई इंटरेस्ट एंड फाइनली इनकम टैक्स क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर इंटरेस्ट फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न अगर रिटर्न भरने में देरी कर दी तो इंटरेस्ट लगेगा और वो कितना है वन परसेंट पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ फ्रॉम या आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग टिल द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न बिल्कुल सही इंटरेस्ट इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द अमाउंट ऑफ एडवांस टैक्स दैट इज द टैक्स असेस्ड ऑन द टोटल इनकम लेस

और अगर रिटर्न फाइल ही नहीं करी कह रहे हैं देखो फाइल ही ना करो ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी सरकार ने कहा सेक्शन 144 है हमारे पास हम बेस्ट जजमेंट करेंगे और असेसमेंट आपका असेसिंग ऑफिसर कर देगा और फिर फ्रॉम द डेट आफ्टर द ड्यू डेट टिल द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन 144 अच्छा सर अगर हमारा एडवांस टैक्स और टीडीएस हमने ज्यादा पे कर रखा ऑलरेडी तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी तो कोई बनती नहीं अब रिटर्न भरो नहीं भरो क्या फर्क पड़ता है नहीं दोस्त ये बात तो सही है कि अंडर सेक्शन 234 ए इंटरेस्ट नहीं लगेगा लेकिन अंडर सेक्शन 234 एफ फीस लग जाएगी ये देखो नोट द असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट चार्ज इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234 ए इन अ केस वेयर द ड्यू टैक्सेस बिफोर द ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न

न थाउजेंड रुपीज क्या क्लियर हुआ कहते हैं हाँ सर बिल्कुल क्लियर एंड नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट बहुत ही छोटा लास्ट फाइव टू सेवन मिनट भी ऑन दिस बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू कंप्यूट द फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन करेक्टली कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी सबसे पहले कंपटेशन ऑफ टोटल इनकम हाजी डिटर्मिनेशन ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस इज द फर्स्ट पॉइंट क्योंकि रेसिडेंशियल स्टेटस के बेसिस पर ही आपकी टोटल इनकम निकाली जाती है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर अंडर ईच हेड पांचों हेड्स की इनकम ऐड करेंगे क्लबिंग के माइनस करेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस एंड वी विल अराइव एट जीटीआई देखो जीटीआई स्टेप टू प्लस स्टेप थ्री माइनस स्टेप फोर जीटीआई में से डिडक्शन माइनस करेंगे तो हम टोटल इनकम पर आ जाते हैं और टोटल इनकम पर दोस्तों अब हमारा टैक्स लाइबिलिटी निकालने की बारी आ गई है दिस इज स्टेटमेंट शोइंग कंपिटिशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी दोस्तों टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी अगर आपकी हर एक हेड से भी इनकम है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बहुत आसानी से मैं आप लोगों की टैक्स लाइबिलिटी निकलवाऊंगा सारे में से सारी इनकम से फर्स्ट यूलिकॉटरी इनकम जिसपे फ्लैट थर्टी परसेंट लगता है विदाउट एनी एग्जाम और स्लैबरेट थर्टी परसेंट लगा देना फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स जिसपे ट्वेंटी परसेंट लगता है एक बार के लिए साइड में करना बाकी इनकम को हाउस प्रॉपर्टी सैलरी पीजीबीपी अदर सोर्स की इनकम को नॉर्मल स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल किया जाएगा जो अपन पहले चैप्टर नंबर वन में सीखते हैं फर्स्ट टू लैख फिफ्टी थाउजेंड एग्जाम फिर टू लाख फिफ्टी से फाइव लाख पे फाइव परसेंट फाइव से टेन लाख पे ट्वेंटी और वेरी सीनियर सिटीजनो हाँ सर उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे ट्वेंटी परसेंट शॉर्ट टर्म अंडर सेक्शन ट्रिपल वन ए पे फिफ्टीन परसेंट एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन टू है एट द रेट टेन परसेंट ऑन इनकम एक्सीडिंग वन लाख रुपीज पर आप लोग टैक्स निकालेंगे फेयर अनफ तो सर आपने अलग क्यों करवाया था इन पर भी तो जब फ्लैट रेट ऑफ टैक्स लगता है तो लॉटरी के बाद ही करवा देते नहीं दोस्त क्योंकि क्योंकि मैं आने वाले नोट में समझाने वाला हूं द बेसिक एग्जेपन लिमिट जो होती है ना टू लैख फिफ्टी थाउजेंड की इफ दैट इज फुल्ली यूटिलाइज फेयर एनफ बट इफ दैट इज नॉट फुल्ली यूटिलाइज्ड द अनएक्जॉस्टेड अमाउंट कैन बी सेट ऑफ फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स विच आर चार्जेबल एट द रेट ट्वेंटी परसेंट फ्रॉम द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स विच आर चार्जेबल एट द रेट फिफ्टीन परसेंट अंडर सेक्शन ट्रिपल वन एंड ऑल्सो फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन वन वन टू ए उससे भी माइनस किया जा सकता है क्या क्लियर हुआ कहते हैं हा सर एड सर करेंगे अगर इनकम पचास लाख एक करोड़ से ज्यादा है रिबेट मिलती है मैक्सिमम बारह हजार पांच सौ की अंडर सेक्शन एटी सेवन ए अगर आपकी टोटल इनकम पांच लाख तक की है उसके बाद ये अमाउंट आ जाएगा उसमें हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करेंगे तो यह अमाउंट आ गया एडवांस रिलीफ और टैक्स ए एम टी का टैक्स क्रेडिट ये माइनस करेंगे एंड द फाइनल आंसर इन द बॉक्स इज योर सेल्फ असेस टैक्स अंडर सेक्शन ए विच इज नाउ सपोज टू बी पेड इन टू ईयर एंड द पॉइंट दैट आई टॉकिंग अबाउट दोस्तों कि जो आपका अनएगॉस्टेड बेसिक एग्जामेशन लिमिट रह जाती है फर्स्ट बेसिक ढाई लाख तीन लाख या पांच लाख के केस में भी वो यूटिलाइज करी जा सकती है अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस अगेंस्ट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस इन अ मैनर विच इज मोर बेनिफिशियल टू दी अब हम कैसे किससे सेट ऑफ करेंगे सबसे पहले सर हम तो ऑफकोर्स उससे करना चाहिए की, जिसकी रेट ऑफ टैक्स ज़्यादा है वेल डन लेकिन लास्ट पॉइंट नॉन नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट नॉट अवेल द बेनिफिट ऑफ़ बैलेंस के लिए तो मैटर करती नहीं ढाई लाख रुपए ही माफ होते हैं अगर ढाई लाख में से दो लाख रुपए नहीं हुए 50, दोस्तों गेंस उसको आपको लैप्स हो जाएगा एंड यू विल बी टू टैक्स ऑन द लॉन्ग टर्म कैपिटल हाँ सर फाइनल पॉइंट एनी टैक्स पेबल और शैल बी राउंडेड द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेन अंडर सेक्शन टू एटी एट बी ठीक है जी टैक्स को और अपनी इनकम दोनों को ही राउंड ऑफ किया जाता है जो इनकम होती है, वो होती है है वो राउंड ऑफ अंडर सेक्शन 288 ए, मतलब तो, तो, तो आगे वाला और लास्ट में 1 2 3 4 हुआ तो पीछे वाला 10 ले लेना लेनाट मिनिमम टैक्स दिस वाज द न्यू इंसर्शन लेकिन मैं इसका कोई रिवीजन नहीं करवा रहा हूं सर क्यों क्योंकि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स पे मैंने इंडिविजुअली एक वीडियो पूरी बनाकर डाल चुका हूं ऑन टू द दूट्यूब आई वुड अर्ज माई स्टूडेंट टू प्लीज गो टू द दरनेट मिनिमम टैक्स जरूर पढ़ना क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा गारंटीड है तो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो टू द दल्टरनेट मिनिमम टैक्स वाली वीडियो वो ज्यादा लंबी नहीं है प्रॉब्लम 20-25 मिनट्स मैंने उसे डिटेल में समझाया है एंड बिकॉज दैट इज अ न्यू इंसर्शन आना ही आना है क्लियर हुआ क्या हाँ सर तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द होल इनकम टैक्स पोर्शन आई होप यू गैस इंजॉयड अगर मजा आया है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस गोना मोटिवेट मी मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स दे विल बी बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस दिसन जो भी आपका फीडबैक रहे फील फ्री टू शेयर इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो एंड अपना ध्यान रखेंगे मेहनत करते रहेंगे एग्जाम्स कटिंग वे टू क्लोज आई होप आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है विशिंग यू ऑल द बेस्ट till then take care jai hind bye bye and we will soon meet for gst revisions bye bye